हेलो डियर स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? डेटा स्टोरेज देखा था एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा। आई होप आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा और आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे डेटा एक्विजिशन सिस्टम की। तो डेटा के नीचे मैंने एक एरो दिखाया है। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, एक्विजिशन सिस्टम मीन्स एक्विजिशन मतलब कलेक्शन यानी कि प्राप्ति, कैसे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और मेज़र करते करते पेपर पर राइट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उस पेपर पर क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे वेदर है उसके टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, बेसिकली उस वेदर की जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम DAS, ठीक है, तो इज़ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेट कलेक्ट कॉमा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। मीन्स डेटा एक्विजिशन सिस्टम के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर हम फर्दर बाद में उस डेटा की नीड होने वाली है तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, अदरवाइज उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को जहां भेजना है भेज देते हैं, या फिर जो भी नीड होती है तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव में देख ली थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज़ टू एक्युमुलेट द डेटा एंड डू प्रोसेसिंग ओवर डेट। बेसिकली डेटा एक्विजिशन सिस्टम का ऑब्जेक्ट इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम आपका दे रखा है इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका है इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के बाद आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल, फिर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। तो इसमें बेसिकली हमें डेटा एक्विजिशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, वो इन्फॉर्मेशन हम इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे और फिर हम इनपुट डिवाइस से हमें जो सिग्नल मिला है उसे हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमें डिवाइस होती हैं वो प्रोसेसिंग करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइक वोल्टेज पर, करंट पर या रेजिस्टेंस पर प्रोसेस करेंगी। जो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू सिग्नल मिलते हैं वो रियल टाइम सिग्नल होते हैं। जो हमें इनपुट डिवाइस के थ्रू सिग्नल मिल रहा है वो आपके रियल टाइम सिग्नल होते हैं। बेसिकली जो मैक्सिमम सिग्नल होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप सिग्नल होते हैं, तो उन नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहे हैं उसे हम अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे अगर तो रिक्वायर्ड होगी, तो अदरवाइज डेट मीन अगर इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटल फॉर्म में चाहिए देन जो भी सिग्नल हम एनालॉग फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं देन उसे हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिग्नल को प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम था। अब डेटा एक्विजिशन सिस्टम के कंसिस्टेंट देख लीजिए, कौन कौन से किस चीज़ को कंसिस्ट कर रहा है, ट्रांसड्यूसर को, सिग्नल कंडीशनिंग को, डेटा कन्वर्जन को, डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर को होता है डेटा हैंडलिंग। जो ट्रांसड्यूसर है उसका काम है आपका, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर डेटा हैंडलिंग इन DAS। इसका काम है डेटा को हैंडल करने के लिए या फिर हम कलेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर का। इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म एनर्जी। ये जो कन्वर्ट होती है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से इनटू अदर फॉर्म एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो जो आपकी ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इसका दे रखा है नीचे, और ये है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इसके बारे में दे रखा है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आपका प्रेशर, टेम्परेचर और फोर्स आएगा, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी, ये आएंगी, ये चार चीज़ें आएंगी। तो
और आप क्या कह सकते हो, और जो ये आपका सेंसर है, सेंसर इज़ यूज टू मेज़र डायरेक्टली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि सेंसर को इसकी ट्रांसड्यूसर ना यूज़ करके तब आप क्या यूज़ कर रहे हो, सेंसर। अगर सेंसर को यूज़ कर रहे हो तो सेंसर क्या मेज़र कर रहा है, सेंसर मेज़र कर रहा है जो आपकी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र कर रहा है। जो आप ट्रांसड्यूसर से नहीं काउंट कर पा रहे हैं या उससे मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह आप किसका यूज़ कर रहे हैं, सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो सेंसर जो है वो मेज़र कर रहा है डायरेक्टली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट को भी हम समझ लेते हैं। बेसिकली ट्रांसड्यूसर से जो भी सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल इतने कैपेबल नहीं होते हैं या फिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं उनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो जो भी हमारे वीक सिग्नल होते हैं उनको सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिडेबल, जो इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिडेबल करने के लिए, सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकें, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और या फिर ये भी कह सकते हो रिडेबल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि फर्दर जो प्रोसेसिंग है उसके लिए हम किसका यूज़ करें, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट जो है, इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो है, सिग्नल्स कम्स फ्रॉम ट्रांसड्यूसर आर वेरी वीक विच कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दूसरा है टू मेक द सिग्नल स्ट्रॉन्ग वेरियस सिग्नल कंडीशंस आर यूज। तो इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे आपके, एम्पलीफायर्स यूज़ होंगे, फिल्टर्स यूज़ होंगे, लिनलाइजर्स यूज़ होंगे, मॉडिफायर्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं एम्पलीफायर्स क्या होता है आपका। एम्पलीफायर्स वो होते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफायर करने के लिए, डैट मीन्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, तो वो आपके एम्पलीफायर कहलाते हैं। फिल्टर्स, फिल्टर का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इनपुट में अगर कोई नॉइज़ होती है, कोई अगर इनपुट में कोई नॉइज़ आती है तो उसको दूर करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, लीनियलाइजेशन क्या होता है, लीनियलाइज में आपका क्या होगा, हम इनपुट एंड आउटपुट जो हमें शो होते हैं सिग्नल, तो उसमें लीनियर लीनियलाइजेशन शो होंगे तो नॉन सिग्नल की इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करते हैं। जो आपके नॉन सिग्नल होते हैं उनकी इफ़िशेंसी को आप क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, लीनियलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स वो होते हैं जो भी इनपुट सिग्नल हो उनको मॉडिफाई करने के लिए, हम इनपुट सिग्नल में कुछ भी मॉडिफाई करेंगे, कुछ नई चीज़ ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मॉडिफायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी नए सिग्नल आएंगे, जो भी इनपुट सिग्नल होंगे उनको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, डेटा सेलेक्टर होता है। दूसरा होता है मल्टीप्लेक्सर इज़ अ डिवाइस डेट सेलेक्ट बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल एंड फॉरवर्ड्स इट टू अ सिग्नल आउटपुट लाइंस। मींस बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल इन्फॉर्म में हो, मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सिग्नल इनपुट लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या हो रहा है, इट कन्वर्ट्स द एनालॉग इनपुट इनटू इट्स इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट। ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, एनालॉग इनपुट इनटू द इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट्स में। दूसरा इजी प्रोसेसिंग है इसकी, इजी ट्रांसमिशन है इसका, इजी हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, इजी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डिजिटल डिस्प्ले एंड स्टोरेज में इसको अच्छे से वो दिखा सकते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट मिल रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जो भी इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट मिल रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल हैं, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले डिवाइस। तो डिस्प्ले डिवाइस में क्या है, इट डिस्प्ले द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट। तो जो डिस्प्ले पर आप चीज़ें देखते हो वो किसके किस फॉर्मेट के थ्रू देखते हो, न्यूमेरिकल डिस्प्लेस में होती हैं, पैनल मैटर्स में होती हैं। तो न्यूमेरिकल जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो आप डिस्प्ले के थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो डिजिटल रिकॉर्ड्स, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट। तो जो आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो,
बेसिकली आप जो डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो डिजिटल रिकॉर्ड, तो आप डिजिटल रिकॉर्ड किसके थ्रू कर सकते हो, ऑप्टिमल रिकॉर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट रिकॉर्डर्स के थ्रू भी कर सकते हो, सिस लाइंस एंड इंक रिकॉर्डर्स के थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप DVD वगैरह में भी डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी आपको डेटा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो वो आप ऑप्टिमल रिकॉर्डर से अल्ट्रावायलेंट रिकॉर्डर या स्टाइलेंस एंड इंक रिकॉर्डर्स के थ्रू भी आप अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। DVD वगैरह में भी आप डेटा को ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम में आपका यही सारी चीज़ें आती हैं। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, एक आपको डायग्राम भी दिखा दिया। और डेटा एक्विजिशन सिस्टम कंसिस्ट किस किस चीज़ पे करता है, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनिंग, डेटा कन्वर्जन, डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट क्या होती है, उसके अंदर एम्पलीफायर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, लिनलाइजर्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, ये सब भी बता दिया। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी कि वो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमने दिखा दी आपको। और अगर आप ट्रांसड्यूसर यूज़ नहीं कर रहे हो तो सेंसर भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह, क्योंकि सेंसर जो होता है वो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को ईजिली मेज़र कर लेता है, डायरेक्टली वो उसको मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो आपका ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प लेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।